नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिक कमेंट में। मैं आपका दोस्त और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटल मेंटर, यूट्यूबर एंड ब्लॉगर डिजिटल मैन। आज मैं बातें करने जा रहा हूँ हाउ टू इंस्टॉल या हाउ टू सेटअप गूगल टैग मैनेजर। अगर अभी तक आपने गूगल टैग मैनेजर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, देखा है, तो आप इसे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा गूगल टैग मैनेजर का, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। अगर गूगल टैग मैनेजर आपको डीपी समझना है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो आप देख सके और नोटिफिकेशन आपका बनता रहे। तो जैसा मैंने गूगल टैग मैनेजर के बारे में बताया था, स्टोरी के बारे में, कि यह हर किसी के डाटा को करेक्ट करेगा, तो पहला स्टेप क्या होगा? गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल करना। उसके बाद अगले वीडियो में मैं टैग ट्रिगर्स एंड वेरिएबल्स के बारे में एक स्टोरी सुना दूंगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका गूगल टैग मैनेजर नहीं बना हुआ है तो आप क्या करें कि सिंपल सा जीमेल ओपन करें, और जीमेल से फिर गूगल टैग मैनेजर आप गूगल पे जाके और यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्रिएट अकाउंट पे। कंपनी का नाम आपको कुछ रखना है तो कर सकते हैं, या मैं भूमि योग कर देता हूँ। ये लोकेशन हमारा क्या है? इंडिया। तो हमने कंट्री सेलेक्ट कर लिया। अब कंटेनर सेटअप। कंटेनर सेटअप में मैंने क्या डाला है? भूमि योग डॉट कॉम। अब आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है वेबसाइट के लिए, जो डेस्कटॉप और मोबाइल वेब पेजेस होते हैं दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आईओएस है, ये आईओएस एप्स में यूज होता है। अगला है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जो एंड्रॉइड का फुल फॉर्म, जो अगला है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड एप्स के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अगला है एएमपी। एएमपी मतलब एक्सीलरेटेड मोबाइल पेज। तो एक्सीलरेटेड मोबाइल पेज के लिए हम एएमपी का यूज कर सकते हैं। अगला है सर्वर। तो सर्वर के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें मेरा टारगेट क्या है? वेबसाइट, आपने देखा होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा वेबसाइट है। मैं अभी इसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं वेबसाइट डिजाइनिंग भी आपको सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वेब पे मैंने किया, क्योंकि मुझे वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है। अगला करते हैं क्रिएट। ये देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको देगा, उसे एक्सेप्ट करना है और यस कर देना है। ये देखिए वोडिंग हुआ है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। ये देखिए अब ये कह रहा है, जब भी हम इसके स्निपेट या टैग्स की बात करते हैं तो इसके टैग्स दो पार्ट में होते हैं, पहला हेड पार्ट में, दूसरा बॉडी। अगर आपको चाहिए तो ये इमेज आप कैप्चर कर सकते हैं, आप इमेज लेके कि आपको दिक्कत ना हो, बहुत ही आसान। अब मैं इसे कॉपी कर दिया और चलते हैं अब हम अपनी वेबसाइट पे। तो ये देखिए मैं आ गया अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे इसमें हेडर में मुझे डालना है, तो हेडर कहाँ से मिलेगा? अपीयरेंस, अपीयरेंस में थीम फाइल एडिटर। अच्छा दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसमें एक यूज कर रहा था 2022 थीम एलिमेंटर, तो मैं वहां पे अपीयरेंस में ये आपको थीम फाइल एडिटर नहीं मिलेगा। वहां पे एक फाइल है SCMF के, वहां से आप कर सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप 2022 थीम्स यूज करते हैं तो आपको अपीयरेंस में नहीं जाना, SCMF करके फाइल वहां पे जाना है। चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए हेडर PHP आ गया। हेडर PHP में मुझे देखना है हेड सेक्शन कहाँ है। ये देखिए हेड सेक्शन दिख रहा है आपको। अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल टैग मैनेजर तो आपको नहीं दिखेगा अभी।
हेड के नीचे। ये देखिए आपको यहाँ पे समझना होगा, हेड और बॉडी। ये देखिए हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और नीचे खत्म हुआ है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब हमने कॉपी कर लिया था, मैं इसे कर देता हूँ गूगल टैग मैनेजर। अब दूसरा पार्ट है, अब मैं जाता हूँ दूसरे पेज पे। यहाँ पे क्या कहता है, एडिशनली पेस्ट दिस कोड इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग बॉडी टैग। तो मैं यहाँ से इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, और इसे इंस्टॉल करने के बाद मैं फिर से जाता हूँ अपने थीम पे। आपने बॉडी का ऑप्शन देखा है, ये देखिए बॉडी का, तो बॉडी के नीचे मैं इसे कर देता हूँ। ये देखिए मैं अब इसे क्या करूंगा, अपडेट फाइल कर दूंगा। ये देखिए फाइल एडिटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अब मैं फिर से साइट पे जाऊंगा, मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैंने अपने इस पे इंस्टॉल कर दिया है। अगर मैं फिर व्यू करना चाहूँ तो डिबग मोड में चला जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जब भी आप कुछ करेंगे ना, ये देखिए फॉर्मेट का एग्जांपल दिया होगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। ये मैंने गूगल एड्स में भी बताया था। कनेक्ट कर देते हैं, ये देखिए कनेक्ट हो गया ना। डिबग इंफॉर्मेशन फॉर दिस पेज व्यूएबल इन दी टैग असिस्टेंट विंडो। ये देख रहे हैं आप, ये मैं फिनिश कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे, ये टैग्स ट्रिगर्स और वेरिएबल्स, मैं इस पे एक स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरीज के माध्यम से आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप दोस्तों, आप जब टैग्स में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ से हम टैक्स ये कर सकते हैं। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। हम हाउ टू इंटीग्रेट सेटअप गूगल टैग मैनेजर, चलिए मैं इसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया भूमि योग। अब यहाँ पे देखिए गूगल टैग असिस्टेंट, ये मैंने इसे इनेबल कर दिया। अब मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए गूगल टैग मैनेजर काम कर रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे जो कोड है MZ43, इसे मैं अगर इस पे देखूंगा, मैं जब ओवरव्यू देखूंगा तो मुझे वो कोड दिखा देगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए MZ43 यही दिखा रहा है ना आपको। तो आपको इसे अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो इंस्टॉल किया है वो सही किया है। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो का बेनिफिट मिलता रहेगा। मैं गूगल टैग मैनेजर को इतनी आसानी से बताऊंगा कि आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो इस हिसाब से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस।